नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 38,359 पे, और ये कल की क्लोजिंग से हम लगभग 257 पॉइंट डाउन में हमने क्लोजिंग दी है। और यहां पे लास्ट जो ट्रेड आप देखेंगे, यानी 330 का जो ट्रेड देखेंगे, वो ट्रेड है 38,526 का, और वहाँ से लगभग हम 175 पॉइंट नीचे आके हमने यहाँ पे 359 पे यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। मैंने कल की वीडियो में आप लोग को क्लियर कट बताया था कि ये ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी अब यहां पर जो सपोर्ट बैंक निफ्टी के पास में है वो है 38,200 से लेकर के 37,800। ये जो 400 पॉइंट का एरिया है ना, ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी यहां पे एक दो दिन टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद अगर 37,800 वाले लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, तो यहां पे जो एक बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, वो पहला टारगेट आपको देगा 37,000 का और सेकेंड टारगेट यहां पर मिलेगा 36,200 का। ये दो टारगेट, बड़े टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। बैंक निफ्टी अगर 37,800 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है, या एक दिन और मान लीजिए यहाँ पे कल और परसों एक दिन और यहाँ पे एक दो दिन 39,000 से लेकर के 38,200 के बीच में बैंक निफ्टी कहीं पे ट्रेड करे, और उसके बाद ये नीचे वाले 37,800 के लेवल को ब्रेक करके क्लोज करना स्टार्ट करता है, तो ये 1,000 पॉइंट आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। जैसे ये आपको पॉइंट मिले ना, ये जैसे 2,000-2,500 पॉइंट आपको तेजी से मिला है, उसी तरह से यहां पर भी आपको 2,000 से 1,000 से लेकर के 1,500 पॉइंट तक ये बहुत फास्ट यहां पे बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा, वो लेवल है 37,800 का, इस लेवल पे फोकस करके रखिएगा बैंक निफ्टी। इसके नीचे की क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग तो 38,200 के नीचे की क्लोजिंग ही बैंक निफ्टी को वीक कर देगी, क्योंकि जो लास्ट हमारी जो निगेटिव क्लोजिंग थी वो थी 38,200 के आसपास। अगर इसके नीचे हम क्लोज करते हैं तो ये 400 पॉइंट तो मिल जाएंगे आपको 37,800 वाले। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर जबरदस्त एक डाउनफॉल आपको और देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगा। दोस्तों चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ में अगर आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद में लॉगिंग आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम नंबर दिया है, वहां पर सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको अपने लर्निंग ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कल की वीडियो में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे कहीं पर ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम बिताता है, और टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक मूवमेंट मिलेगी 39,000 के आसपास और 39,150 के आसपास। लेकिन बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है, लेकिन जो 5 मिनट की हमारी 920 वाली स्ट्रेटजी है उसने काफ़ी अच्छा वर्क किया, और वहाँ से ये 38,920 से लेकर के बैंक निफ्टी यहाँ पर 39,040 का शायद इसने हाई, 40 या 43 का ये हाई लगा के आया, तो ऑलरेडी 120 पॉइंट आपको यहाँ पर 920 वाली स्ट्रेटजी में यहाँ पे मिल गए थे। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है, और अभी भी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो उसी ट्रेंड लाइन के आसपास हम घूम रहे हैं इसी जगह पे। अभी भी ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्राडे के दौरान कभी भी हम पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि इंट्राडे के हाई को हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, जो भी इंट्राडे में एक हाई लग रहा है उस हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम ओपन तो हो गए ऊपर, लेकिन हम ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, वापस हम नीचे की साइड में यहाँ पे ट्रेड करने लगे, और जैसे लो ब्रेक किया, यानी जो 780 का जो लो था शायद 780 का शायद जो लो था, उस लो को जैसे हमने ब्रेक किया, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की साइड में यहाँ पे आया। अब नज़र बना के रखिएगा, कल का लो फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये हाई भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब हमारे लिए 39,122 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी। अब इसके ऊपर जब कुछ टाइम बिता, यानी आधे एक घंटे बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा, तभी ऊपर के बारे में सोचिएगा, वरना यहाँ से ये फिर से वापस नीचे की साइड में आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में कहीं पर ओपन हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए 700 और वहाँ से नीचे की साइड में ये 200, यानी इस रेंज के बीच में 500 पॉइंट के बीच में कल यहां पे वॉलेटाइल रह सकता है। अगर बैंक निफ्टी लोअर एंड, जैसे हम आज की क्लोजिंग जो है वो है 39,357 के आसपास है, अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होके, चलिए दोस्तों देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, सॉरी ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के बैंक निफ्टी नीचे ओपन होता है, यहां पर आधे घंटे टाइम बिताता है, उसके बाद अगर ब्रेक कर देगा, तब हमें एक मूवमेंट
इम्प्रूवमेंट मिल सकती है जो कि 39,050 और 39,120 के आसपास तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी ओपन ही ऊपर हुआ, यानी हम गैप अप ओपन हुए 200 पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमारी 920 की स्ट्रेटजी अप्लाई हुई। 920 की स्ट्रेटजी ने लगभग यहाँ पे 120 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे ऑलरेडी दी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने जैसे लो को ब्रेक किया, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, हाई जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाई के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करिए। देखिए हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया और वापस ही नीचे की साइड में आया। जब भी आप इंट्राडे देख रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान रखो, हम तब तक वीक है इंट्राडे में जब तक हम पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे हम पिछला हाई बना रहे हैं ना, हम उस हाई के ऊपर निकल ही नहीं पा रहे, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब हम उस जगह पे क्लोज हुए हैं 38,357 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। अगर बैंक निफ्टी इस जोन में कहीं पर ओपन होता, यानी 500 से लेकर के 200 के बीच में बैंक निफ्टी कहीं पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में नीचे की साइड में अगर ये 38,200 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 38,050, सेकेंड टारगेट होगा 37,900 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 37,800 का। ये दो टारगेट आपको, तीन टारगेट आपको बैंक निफ्टी में रख के चलने हैं। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन है, 500 से लेकर के 200 के बीच में कहीं पे ओपन होता है, जैसे अगर मान लीजिए दूसरे मिनट में ही ये लो को ब्रेक कर देता है, आज के लो को ब्रेक करता है, तो यहीं पर आप दूसरे मिनट में ही इसको बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, या यहाँ पर आप 38,200 की पुट भी यहाँ पर ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा वोलेटाइल काफ़ी होगा, तो स्टॉप लॉस आपको थोड़े से दूर रखने पड़ेंगे। तो जैसे ही लो को ब्रेक करेगा स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे 100 पॉइंट से कम का एसएल मत लगा के रखिएगा। ध्यान रखिए अगर उसी फ्लो में चला गया तो एसएल को यहाँ पे आप ट्रेल कर लीजिएगा, लेकिन 100 पॉइंट का एसएल आपको रखना पड़ेगा क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो इस पर आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा एक चीज़, मान लीजिए किसी कारणवश बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी जब तक लास्ट डे के हाई को क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं 38,900 के आसपास, और यहाँ कोई पहली कैंडल ही शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए तो उसी शूटिंग स्टार के लो के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम बिता ले, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट टाइम बिताने के बाद अगर लो को ब्रेक करे, तो इसी हाई का एसएल लगा के आप बैंक निफ्टी को सेल कर दीजिएगा। पहला टारगेट लगभग 38,500 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे देगा, और सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 38,300 के आसपास का। तो यहाँ पे सबसे अच्छा सेल का सिग्नल आपको तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी 38,900 के आसपास और वहां पे या तो रेंज बनाए या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, उसी कैंडल के नीचे आप यहां पे बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन, फिर वेट करेंगे हम प्राइस एक्शन का कि प्राइस एक्शन किस तरह के मूवमेंट करता है, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। अगर कुछ ज्यादा जानकारी रहेगी तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करके आप लोग को बता दूंगा। दोस्तों मैंने टाइम ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट वीडियो डाला हुआ है हमारे आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे, तो उसको भी जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैं लाइव ट्रेडिंग करके आपको चीजें सिखाने और समझाने वाला हूं। तो हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।